नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। किसी और पर कीचड़ उछालने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। चुनावों से पहले या चुनावों के समय अक्सर आपने देखा होगा कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों पर यह आरोप लगाती है कि दूसरी पार्टियों में सबसे ज्यादा अपराधी है। बीजेपी तो यूपी में समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहती है। यहाँ तक कि बसपा को लेकर, कांग्रेस तक को लेकर पार्टी अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगा चुकी है, लेकिन पार्टी कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखती। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जीत के लिए पार्टी ने अपने जुताऊ चेहरों को मैदान में उतारा। इंदौर एक की सीट से बीजेपी ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर अपना भरोसा जताया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। दरअसल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भगोड़े घोषित हो चुके हैं, मतलब अपराधी हैं। और 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंदौर एक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद किसी विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि उनके नामांकन पत्र में अपने इस अपराध का कोई जिक्र नहीं किया गया। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर किस मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था। भगोड़ा घोषित हो चुके हैं बीजेपी के ये प्रत्याशी। साल 1999 के छत्तीसगढ़ की अदालत से जुड़े मामले में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत ने विजयवर्गीय को भगोड़ा घोषित किया था। विजयवर्गीय के खिलाफ 2019 में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। एक आपराधिक मामले में कोर्ट ने नोटिस का जवाब बार बार नहीं देने के चलते ये कार्रवाई की थी। पूरे मामले में शिकायतकर्ता छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ वकील कनक तिवारी और पूर्व एडवोकेट जनरल हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत की। चूंकि नामांकन के साथ हलफनामे में इस मामले का कोई जिक्र नहीं था, तो हो सकता है कि विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ जाएं। शिकायतकर्ता को लेकर उन्होंने संवाददाता से बात करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि वो कांग्रेस के नेता है, मुझे इस केस के बारे में नहीं पता, मेरे पास कोई सम्मन नहीं आया। विजयवर्गीय ने सोमवार को नामांकन के साथ जो हलफनामा दाखिल किया उसमें छत्तीसगढ़ में किसी भी लंबित मामले का जिक्र नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 5 लंबित मामलों का जिक्र जरूर किया। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में शिकायतकर्ता कनक तिवारी का कहना है, 1998 के आखिर में बोर्ड के इंदौर कार्यालय में 3 कर्मचारियों ने बदनामी करते हुए आरोप लगाया था कि मैंने उनसे रिश्वत की मांग की है। सच तो ये है कि मैंने उन्हें लगभग 1.5 महीने पहले ही निलंबित कर दिया था और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी थी। इन कर्मचारियों ने मुझसे मिलने की कोशिश की लेकिन मैंने मना कर दिया, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही उनके आरोप समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए मैंने समाचार पत्रों को अपनी प्रतिक्रिया भेज दी। वहीं इसी मामले को लेकर विजयवर्गीय ने मीडिया में खूब बयानबाजी की थी और कनक तिवारी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। इस मामले के सामने आने के बाद अब कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ सकती है, चूंकि उन्होंने अपने हलफनामे में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।